तो दोस्तों कल लॉन्च हुआ है होंडा कंपनी की तरफ से होंडा शाइन का एक 100 सीसी वाला मॉडल, और जैसे कि देख ही सकते होंगे वही मॉडल आपके सामने है। वैसे इसी मॉडल को लेके ही आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात भी करने वाले हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ न्यू देखने को मिल रहा है, और उसके ही साथ साथ इसका जो एक शोरूम प्राइस है तो वो कितना है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। अब देखो दोस्तों, होंडा शाइन का जो 100 सीसी वाला मॉडल है ना, तो वो तो कल लॉन्च हो गया है, और वही वाला मॉडल आपके अभी सामने भी है। और जैसे कि इसी वीडियो के अंदर देख ही सकते होंगे कि ये वाला जो मॉडल है ना, तो ये एक कम्यूटर वाला मॉडल है, तो इसी वजह से इस वाले मॉडल का जो लुक है तो वो इंडिया में जो कम्यूटर वाले लुक होते हैं ना, तो उसके ही हिसाब से इस वाले मॉडल को बनाया गया है। बाकी तो भाई ये वाला जो मॉडल है ना, तो ये सच बताओ तो देखने में स्वीट सा है। और इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है ना, तो वो ड्रम ब्रेक्स के साथ में है, और इसके ही साथ आपको ब्रेकिंग भी देखने को मिल रहा है। बाकी इस वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलता है जो लाइट्स का सेटअप, तो वो हैलोजन और बल्ब्स के ही अंदर दिया गया है। और उसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल में भी देख ही सकते होंगे जो सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, तो वो है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे कॉइल वाला जो शॉक एब्जॉर्बर है, तो वो ही। और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के भी अंदर आपको स्प्लिट डाइल, लेकिन एक आपको एनालॉग टाइप मीटर कंसोल जो है तो वही कुछ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको फ्यूल गेज और ये जो ऑडोमीटर टेकोमीटर ये जो सारा कुछ चीजें है, तो ये सारा कुछ चीजें देखने को मिल जाएगा। बाकी तो भाई इस वाले मॉडल में आपको इसके अलावा और ऐसा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। हाँ, एक चीज जो मुझे पसंद आया इस वाले मॉडल के साथ, तो वो है इसका प्राइस, जो कि अभी देखा गया है कि 64,900 रुपीस रखा गया है होंडा कंपनी की तरफ से। मतलब ये एक शोरूम प्राइस है इस बाइक का। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक में भी आपको जो इंजिन देखने को मिलेगा ना, तो वो एक 100 सीसी वाला एयर कूल सिंगल सिलेंडर वाला ये इंजिन है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 7.61 bhp। और ये वाला इंजिन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 8 Nm। और उसके ही साथ साथ 4th स्पीड का गियर बॉक्स जो है तो वो देखने को मिलता है इसके ही साथ। और इसके अलावा कल लॉन्च इवेंट के ही दौरान कुछ न्यू कलर्स ऑप्शन भी दिखे गया है, जो कि आपके सामने है, एक एक करके देख ही सकते होंगे। वैसे इनके बारे में डिटेल वीडियो जो है, मतलब रिव्यू वाला, तो वो भी आएगा इस वाले चैनल पर। लेकिन भाई अभी ये जो कलर्स है तो वो ऐसी तरीके से देख लो, क्योंकि अगर बताना शुरू कर दिया तो लंबा हो जाएगा वीडियो, और फालतू में वीडियो को लंबा करने का कुछ इतना मतलब है नहीं। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियो हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।